दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो दीप आईपीएल के फैन है तो इन अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। युवराज सिंह को हुआ जेल, सुपरहिट प्लेइंग 11 ऑफ आईपीएल 2021, धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग एक दूसरे के खिलाफ, ऋतुराज का वायरल वीडियो, मेगा ऑक्शन और भी ढेर सारी अपडेट्स आपको आईपीएल से जुड़े हुए बताने वाले हैं। आईपीएल 2021 खत्म हो चुका है और अब आईपीएल 2022 का ऑक्शन आने वाला है। आपको कुछ करना नहीं, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 304वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। आपको तो हमने पहले ही बताया है कि किस तरीके से रवि शास्त्री T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के कोच से इस्तीफा दे देंगे और अब खबर आ रही है कि रवि शास्त्री भारतीय टीम का कोच से हटने के बाद किसी आईपीएल की टीम का कोच बनना चाहते हैं और बहुत ज्यादा चांस है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के हेड कोच बनाए जा सकते हैं। रवि शास्त्री के किसी नजदीकी ने बताया है कि रवि शास्त्री ने भारतीय टीम का कोच पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि वह पूरे साल भर सफर करने से परेशान थे और वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीजनल हो। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे एमपीएल फैंटेसी ऐप के बारे में। इस ऐप में आपको मौका मिलता है 99 टीम बनाने का। जितना ज्यादा टीम बनाएंगे उतना ज्यादा आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। मैं हर मैच के लिए एमपीएल पर टीम बनाता हूं और काफी सारी टीम भी बनाता हूं, जिसकी वजह से कल मेरी एक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और मैंने 3,000 रुपए जीते भी थे। पूरा का पूरा आईपीएल सीजन मैंने एमपीएल पर कई सारी टीम बनाए और काफी पैसे भी बनाए और T20 वर्ल्ड कप भी मैं एमपीएल पर ही खेलूंगा और काफी सारे पैसे भी बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों एक और बहुत फायदे वाली बात बताता हूं, आप एमपीएल पर इस बार T20 वर्ल्ड कप का सीजन टिकट ले सकते हैं 12 मैचों का और वह भी सिर्फ 35 रुपए में। और आज जो मुकाबला होगा उसके लिए यह रहेगा मेरा एक टीम, तो आप रुके किस लिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ऐप को डाउनलोड करें और अपनी टीम बनाकर पैसे बनाएं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है युवराज सिंह की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कल युवराज सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया है। इसके पीछे वजह था कि लॉकडाउन के वक्त रोहित शर्मा के साथ लाइव चैट पर युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल को भांगी कहा था और यह एक तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल बयान था जिसका हांसी नाम की जगह पर विरोध होने लगा और फिर उसी समय एक FIR दर्ज किया गया था और उसी पर एक्शन लिया गया था कल। हालांकि युवराज सिंह ने सफाई दिया कि वह मजाक में बोल रहे थे और उनका मकसद किसी को भी हर्ट करना नहीं था। यह मामला बढ़ गया है और अभी आने वाले वक्त में इस पर और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने के बाद अपने घर पहुंचे और उनका पुणे में जहां पर उनका घर है जोरदार स्वागत किया गया, जिसकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई और उस वीडियो को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है और आईपीएल खेल रहे थे सभी अपने वापस घर चले गए हैं और उन सभी खिलाड़ियों का विदाई का वीडियो उनके अपने फ्रेंचाइजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है डेविड वार्नर की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे हाल फिलहाल में डेविड वार्नर ने एक फोटो पोस्ट किया जिसमें वह और उनकी बेटी थी और इस फोटो की खासियत थी कि इस फोटो में वह पीला कलर का चेन्नई का जर्सी पहने हुए थे। हालांकि यह किसी फैन ने उनको भेजा था जिसे उन्होंने पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पर और तुरंत ही फिर उसे डिलीट भी कर दिया। इस फोटो को आप यहां पर देख सकते हैं, तो यह दिखाता है कि डेविड वार्नर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हो सकता है जाना चाहते हूं। इसके साथ ही आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग अपना चेन्नई सुपर किंग्स का असाइनमेंट पूरा करने के बाद न्यूजीलैंड की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। असल में जो काम महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के लिए करने वाले हैं वही काम स्टीफन फ्लेमिंग की टीम से करेंगे, यानी कि मेंटर का रोल। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है 5 डुप्लेसिस की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत के बाद सिर्फ लुंगी नगरी को बधाई दी थी और इस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था कि आखिर उन्होंने 5 डुप्लेसिस को क्यों नहीं बधाई दी, जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था। इसके बाद क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया, उसके बाद फिर एक नया पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका के 5 डुप्लेसिस और इमरान ताहिर का भी जिक्र किया है। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों गौतम गंभीर का वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी से 36 का चलता है और ऐसे में कल उन्होंने एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान के रूप में बिल्कुल ही फ्लॉप है। यदि चेन्नई की टीम ट्रॉफी जीतते हैं तो वह अपने बाकी के खिलाड़ियों की वजह से जीते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का कप्तान के रूप में किसी भी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और चेन्नई सुपर किंग्स को यह सलाह दिया कि वह अगले साल महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन ना करें क्योंकि फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब महेंद्र सिंह धोनी बोझ बन जाएंगे और उन्होंने धोनी के लिए भी कहा कि वह भी अब संन्यास ले लें, समय आ गया है। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आईपीएल खत्म होने के बाद एक लिस्ट जारी हुआ जहां पर 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों की टीम बनाई गई आईपीएल 2021 से। यह रही वह टीम, ऋतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, केएल राहुल, ग्लेन मैक्सवेल, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर, रविंद्र जडेजा, जेसन होल्डर, राशिद खान, आवेज खान, हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह। इसके साथ ही 11 सबसे फ्लॉप खिलाड़ियों की भी एक टीम बनाई गई और इस फ्लॉप प्लेइंग 11 की पूरी लिस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों यहां थे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसी अपडेट्स आपके लिए हम हर दिन लाते हैं और लाते रहेंगे। और हां, अगर अभी तक आपने एमपीएल पर टीम नहीं बनाया है तो जल्दी से एमपीएल ऐप को डाउनलोड करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरी तरह टीम बनाकर आप भी पैसे जीत सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।